विघ्नहर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। पुत्र, एक माँ की ममता को इन सब से तृप्ति नहीं मिलती, उसे तो तभी मिलती है जब उसका पुत्र उसके निकट हो, उसकी आंचल के छांव में हो, उसकी दृष्टि के सामने हो। पुत्र, मैं तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जा सकती। पुत्र, देवी पार्वती, पुत्र कार्तिकेय यहां अकेला कहां रहेगा? पुत्र, इस स्थिति का समाधान तो तुम दोनों ने ही सुझा दिया। पुत्र कार्तिकेय, तुमने अर्जुन वृक्ष के पत्रों और मल्लिका पुष्पों के साथ मेरी इतनी श्रेष्ठ पूजा की है, इसलिए मैं अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में यही स्थापित होऊंगा और तुम्हारी माता अपनी शक्ति स्वरूप देवी ब्रह्मरंभा के रूप में यहाँ स्थापित रहेंगी, जो उनके 18 मुख्य शक्ति पीठों में से एक होगा। यहाँ हमारी पूजा मल्लिकार्जुन के रूप में होगी और तुम्हारे ही कथन के अनुसार इस स्थान को दक्षिण पीठ कहा जाएगा। महादेव, जहां आपका वास वही नंदी का निवास, इसलिए प्रभु मुझे कैलाश की भांति एक शक्तिशाली पर्वत के रूप में यहां स्थित होकर आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। धन्यवाद प्रभु। पिताश्री, यहाँ मल्लिकार्जुन रूप में स्थित होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में यहाँ एक महान विशाल मंदिर की स्थापना होगी और यहाँ के भक्तों को आप दोनों की कृपा से आपके भव्य दर्शनों का सुख प्राप्त होगा और यह स्थान सदा सदा के लिए दक्षिण कैलाश के नाम से जाना जाएगा। और मैं स्वयं यहाँ सदा आप दोनों की पूजा करता रहूंगा। आइए देवी, आप कैलाश चलने का समय हो गया है। नहीं स्वामी, कार्तिकी को यहाँ अकेला छोड़कर जाना मेरे मन को कदापि स्वीकार नहीं। किंतु प्रिय, जब हमारे ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ के रूप में हमारी शक्तियाँ यहाँ हैं, तो वो हमसे दूर कहाँ है? मैं समझती हूँ स्वामी, और मैं ये भी समझती हूँ कि उसका एक बड़ा लक्ष्य है और उसको उसका कर्तव्य यही रहकर पूर्ण करना है, इसीलिए वो कैलाश नहीं लौट सकता। किंतु मैं तो यहाँ रह सकती हूँ ना स्वामी। यदि आप कैलाश जाने के इच्छुक हैं तो जाइए, किंतु मैं कार्तिकेय को यहाँ अकेला छोड़कर कदापि नहीं जाऊंगी। अब मैं पार्वती को कैलाश लौटने के लिए कैसे तैयार करूं? आ,
स्याही की इन अंतिम बूंदों से आप कुछ ही शब्दों का लेखन कर सकेंगे गणेश जी? इसके लिए तो माता भूमि देवी से ही प्रार्थना करनी होगी ताकि वो वचनानुसार हमें और स्याही प्रदान करें। हे माता भूदेवी, हम सभी आपकी प्रार्थना करते हैं, कृपया प्रकट होकर और भी स्याही प्रदान करने की कृपा करें। शरीर चक्र की प्रभा से उज्जवल तथा धूल राशि से सुशोभित था। उसके हाथ में तेजोमय उज्जवल चक्र प्रकाशित हो रहा था। उससे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस रण क्षेत्र में चक्र धारण द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण करता हुआ अभिमन्यु क्षण भर के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा था। कौरवों से घिरा हुआ अकेला अभिमन्यु छत्र छत्र होते हुए हिम्मत नहीं हारा। एक बार लेखन आरंभ करने पर आप अपनी रचना का वाचन नहीं रोक सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। थक गया हूं मैं, अब आगे कैसे बोल पाऊंगा? कुरुक्षेत्र का वो युद्ध जिसमें अभिमन्यु ने महापराक्रमी योद्धा की तरह युद्ध किया। गजानन ने जो अवस्था नियत की उसके पूर्ण होने में ही इस महाकाव्य की पूर्णता निर्भर है। प्रिय, आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझूं स्वामी, आप तो यही कहेंगे ना कि शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग की स्थापना से हम अपने पुत्र के निकट ही हैं। और फिर मैं कैलाश क्यों नहीं लौटना चाहती? हम इस रूप में उसके निकट तो रहेंगे, किंतु वो फिर भी अकेला रहेगा। वो अपने मन की बात किसके साथ बांटेगा स्वामी? जैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, उसके साथ कौन है? प्रिय, आपने ही व्यथा रखी और आपने ही उसका समाधान भी बता दिया। समाधान? कैसा समाधान? हम दोनों को एक दूसरे का साथ प्राप्त है, किंतु उसे किसका साथ प्राप्त है, यही मुख्य समस्या है ना? उसी का समाधान करना है ना हमें? अर्थात पुत्र कार्तिकेय का विवाह होना चाहिए। आपने सर्वथा उचित कहा स्वामी। फिर मैं आपके साथ कैलाश में चिंता रहित रहूंगी, और कार्तिकेय और गणेश भी दोनों ही अकेले नहीं रहेंगे। और ये तो उचित समय भी है, हमें शीघ्र कैलाश लौटकर अथा शीघ्र उसके लिए कन्या ढूंढनी चाहिए। कार्तिकेय के विवाह के सुझाव ने आपका निर्णय एक पल में बदल दिया देवी। हाँ स्वामी, क्योंकि आपका सुझाव मेरे निर्णय से कहीं उत्तम है।
ये तो समस्त भोपालों के स्वामी वीर राजा दुर्योधन के धराशायी होने पर वहां बिजली की गड़गड़ाहट के साथ प्रचंड वायु चलने लगी, धूली की वर्षा होने लगी, वृक्ष वन एवं पर्वतों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। क्या हुआ माँ? अब हमें जाना होगा पुत्र, किंतु तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं रहने दूंगी। ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ के साथ मैं स्वयं भी प्रत्येक पूर्णिमा पर अपने प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान करूंगी। और मैं प्रत्येक अमावस्या के दिन। आप दोनों को अपने माता पिता के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। मैं किन शब्दों में आप दोनों को धन्यवाद करूं? कृपा कर मेरा नमन स्वीकार करें। प्रभु ने तो अपनी लेखनी रख दी। प्रभु गजानन, आप उठ क्यों गए? मैंने कहा था ना ऋषिवर, जैसे ही आप बोलना समाप्त करेंगे मैं लेखन रोक दूंगा। उचित है प्रभु, क्षमा करें, आपको दिए हुए वचन का मैं मान नहीं रख पाया, किंतु कोई तो उपाय होगा कि आप आगे लिख सकें, अन्यथा यह महाकाव्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। प्रभु इसे पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु अब तो केवल एक ही खंड शेष है। नहीं ऋषिवर, नहीं ऋषिवर, नहीं ऋषिवर। प्रभु अंतर ध्यान हो गए, अर्थात भारत में धर्म की महागाथा अधूरी रह गई। इस प्रकार भविष्य में जीवों का मार्गदर्शन कैसे संभव? इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ अधूरा रह जाए ये तो उन्हें भी स्वीकार नहीं होगा, तो नियति क्या है? क्षमा करें प्रभु, मैं अपना कर्तव्य अधूरा नहीं छोड़ सकता, मुझे तो इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करना ही होगा। प्रणाम प्रभु। एक दंतम महाकायम तप्त कांचन सन्निभम लंबोदरम विशालाक्षम वंदेहम गणनायकम। ओम नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि। शिवा
वैदिक साहित्य श्रेष्ठ है, किंतु आने वाले युग कल युग को ध्यान में रखकर आपने इसे सरल बना दिया, इसलिए आपका ये महाकाव्य महाभारत कहलाएगा। गणपतये नमः। आपकी ये रचना मानव जाति के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी। धन्यवाद है ज्ञान बुद्धि और श्रुति के ईश्वर कि आपने मुझे और मेरी इस रचना को शुभाशीष दिया। ऋषिवर, मैं अपना कार्य संपन्न कर चुका, तो क्या आप मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा है? अवश्य प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, अब जाकर निश्चिंतता से माँ के हाथों बने पकवान खाऊंगा। देवी, यहाँ नवीन दिव्य ऊर्जा संकेत दे रही है कि गणेश भी अपना कार्य पूर्ण कर शीघ्र लौटने वाला है। बहुत सारे कार्य करने, शीघ्रता तो हमें भी करनी होगी। शीघ्र अपने पुत्र के लिए उचित कन्या ढूंढनी होगी हमें। मैं जाकर विवाह उत्सव की तैयारियां करती हूँ। गणेश जी का विवाह? गणेश जी के लौटने पर सर्वप्रथम यह शुभ समाचार मैं ही उन्हें दूंगा। नंदी जी। गणेश जी। प्रणाम गणेश जी, आप उचित समय पर पधारे हैं। मुझे आपको एक सूचना देनी है। सूचना अच्छी होनी चाहिए नंदी जी। ये मत कहिएगा कि भोजन समाप्त हो गया, क्योंकि आपकी पोटली में से उसकी सुगंध मुझ तक पहुंच रही है। ये कोई परिहास नहीं है प्रभु, वास्तव में एक बहुत बड़ी सूचना है। पहले भोजन फिर सूचना नंदी जी। प्रभु सुनिए तो, अब कहाँ जा रहे हैं? प्रभु सुन तो लीजिए, यह सूचना सुनकर आप आनंदित होकर उछल पड़ेंगे। अच्छा तो सुनाइए नंदी जी। आपका विवाह होने वाला है, माता और प्रभु आपके लिए उचित कन्या ढूंढ रहे हैं। प्रभु, मेरा विवाह? ये क्या कह रहे हैं नंदी जी? अवश्य आपसे कोई भूल हुई है, आपने ठीक से नहीं सुना होगा। नहीं नहीं प्रभु, मैंने ठीक से सुना भी, कहा भी, और ना ही कोई भूल हुई है मुझसे। ये तो शुभ समाचार है प्रथम पूज्य। मैं समझता हूँ प्रभु, इस शुभ समाचार को सुनकर तो किसी के भी मन में लड्डू फूटेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ कि अब मोदक खाने का नहीं, अभी तो खिलाने का समय है गणेश जी। अब आप अपने मन में फूटते हुए मोदकों को समेटिए, तब तक मैं जाकर अन्य लोगों का इस शुभ समाचार से मुंह मीठा करवाता हूँ। ओहो, प्रथम पूज्य गणेश जी, सर्वप्रथम आप ही शुभ समाचार के साथ अपना मुंह मीठा कीजिए। फिर क्या जाने अवसर मिले ना मिले, क्योंकि विवाह के पश्चात तो आपको वही खाना पड़ेगा जो आपकी पत्नी खिलाएंगी। आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं आता हूँ। प्रणाम। क्या विवाह के उपरांत मैं अपनी इच्छा से भोजन भी नहीं कर पाऊंगा? विवाह हुआ और स्वतंत्रता समाप्त। प्रभु 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 सुनिए तो, वो देखिए प्रभु, वहाँ आपकी होने वाली पत्नी। क्या कहा है मेरी पत्नी? मेरा अर्थ था विवाह के उपरांत वही तो होंगी ना वो प्रभु। मूषक जी, अनर्गल प्रलाप बंद कीजिए। विवाह ये तो बहुत बड़ी समस्या है, आज प्रथम बार मुझे किसी समस्या का हल नहीं सूझ रहा, मैं तो उलझ गया हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था प्रभु। क्या क्या कहा था? कि मत कीजिए। क्या
क्या नहीं करूं? यही महान कार्य। बालक हैं, किंतु बालकों वाला कोई कार्य तो आप करते नहीं, संपूर्ण संसार की समस्याएं हल करते हैं। तो फिर सब आपको विवाह के योग्य समझेंगे ना? ऐसा कौन सा महान कार्य कर दिया मैंने मूषक जी कि माँ और पिताश्री मेरा विवाह करने पर तुल गए? क्या नहीं किया है प्रभु आपने? सब कुछ आप ही ने तो किया है, दुष्ट असुरों का अंत और देवताओं की सहायता, और तो और संसार के महानतम ग्रंथ महाभारत का लेखन। तो आप ही बताइए, आपको बालक कौन कहेगा भला? जो हुआ सो हुआ, किंतु अब क्या करूं? उसका कोई सुझाव है? हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रभु, मेरी बुद्धि के पास तो सुझाव ही सुझाव है, किंतु आपके लिए जो सर्वथा उचित है वो ये बताना और जताना कि आप एक नन्हे बालक हैं। नन्हा बालक? आपको अपने व्यवहार से ये दिखाना होगा कि आप अभी भी एक बालक ही हैं, तभी तो आपका विवाह टल सकता है प्रभु। उचित है, किंतु मुझे उसके लिए करना क्या होगा? बताऊंगा, किंतु सर्वप्रथम आप वचन दीजिए कि जो कुछ भी मैं कहूँगा वो आप अवश्य करेंगे। करूँगा, सब कुछ करूँगा। तो फिर आरंभ करते हैं नटखट बालक बनो अभियान, जिसका प्रथम कार्य होगा उत्पाती बनो। सकारात्मक कार्य के लिए की गई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से सदैव उत्तम फल की प्राप्ति होती है।